हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की रेसिपी में हम बनाएंगे फूले फूले सॉफ्ट गार्लिक बंस और इन्हें घर पर बनाना इतना आसान है कि आप बार बार इन्हें घर पर बनाएंगे इन्हें बनाने के लिए ना हम किसी अंडे का इस्तेमाल करेंगे ना ईस्ट का और ना ही अवन का तो जिनके तो पास अवन नहीं है ना वो भी इन्हें आसानी से बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं तो गार्लिक बन बनाने के लिए यहाँ मैंने दो कप मैदे का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं अब इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे साथ ही में दो छोटे चम्मच यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ अब इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक क्योंकि गार्लिक बन बना रहे हैं तो यहाँ मैंने पाँच से छः गार्लिक लिए थे जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है और हाँ अगर आप इसका फ्लेवर और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अब हम इसमें ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें इसे खर, खमीर लाने के लिए इसमें ऐड करना होगा दही तो यहाँ मैंने चार चम्मच दही ऐड किया है खट्टा दही है ये और इसे अच्छी तरह से ना हम दही के साथ मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को ये देखिए तो पहले हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद कितना पानी लगेगा ज़रूरत के अनुसार हम पानी उसमें फिर ऐड करेंगे तो ये देखिए मिक्स करने के बाद भी ना अभी ये डो तैयार नहीं हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसका ना सॉफ्ट सा जो है आटा लगा करके हम तैयार करेंगे तो ये देखिए इस तरह का सॉफ्ट आटा हमें इसका लगाना है तो ये आटा तैयार हो गया इसे अभी ज़्यादा मसलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसे कवर करके ना एक घंटे के लिए हमें फर्मेंट होने के लिए रखना होगा ताकि इसमें खमीर आ जाए और बहुत ही अच्छी सी जाली बने तो एक घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था और ये देखिए एक घंटे के बाद जो आटा है वो काफ़ी ज़्यादा फूल गया है ये देखिए और इसकी जाली मैं आपको दिखाती हूँ ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फर्मेंटेशन हुआ है ये देख सकते हैं इसमें तो बिना ईस्ट के भी ना काफ़ी अच्छा डो तैयार होता है अब इसे ना हल्के हाथों से पहले नीट कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से ज्यादा मसलने की जरूरत नहीं है अब इसका ना हम एक लॉग तैयार करेंगे इस तरह से तो लॉग बनाने के बाद अब इसके हम ना छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेते हैं क्योंकि मैं छोटे छोटे से बन तैयार कर रही हूँ आप अपने अनुसार बना सकते हैं आप चाहे तो बड़े बंस भी इसके तैयार कर सकते हैं तो यहाँ छोटे छोटे से ये देखिए मैंने पीसेस कट कर लिए हैं अब इसे हमें टाइटली नहीं बनाना है बस हल्के हाथों से रोल करना है ये देखिए और अंदर की तरफ ना टग इन कर लेना है इस तरह से ये देखिए जिस तरह से बन का सेप होता है ना ठीक उसी तरह से सेप आ जाएगा इसका तो ये देख सकते हैं मैंने अंदर की तरफ इसको टग इन कर लिया है इस तरह से और ये देखिए बहुत ही प्यारा छोटू सा बन जो है बन करके तैयार हो गया है तो इसे बेक करने के लिए ना यहाँ मैंने स्टील की प्लेट ली है जिसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि बेक होने के बाद ना बंस जो है वो आपस में चिपके नहीं मतलब प्लेट से चिपके नहीं और ऑयल को ना अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है अब एक एक बन हम इसके ऊपर तैयार करके रखते जाएंगे ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान से आप इसको बना सकते हैं ये देख सकते हैं और पास पास ना हमें सारे बन इस तरह से रखते जाने हैं इसे तो हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं अगर आप इन्हें ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में आप इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं अब इसके ऊपर ना मैंने हल्का सा घी का ब्रश लगा दिया है ये देखिए इस तरह से और इसके ऊपर थोड़े से सस से सीड्स ऐड किए हैं ये देखिए इस तरह से तो घी लगाने से क्या होगा सस सीड्स जो है ना वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएंगे ये देखिए इस तरह से तो इसका लुक ना बहुत ही बढ़िया आएगा अब इसे हम बेक कर लेते हैं और मेरा बेटा ना अभी से क्यूरियस हो रहा था कि मम्मा क्या बना रही है उसे अभी से देखना था तो वो देखने के लिए यहाँ आ गया है तो कढ़ाई को ना मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था यानी नमक और स्टैंड रख के ना दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है तो ये अवन का काम करेगी इसके अंदर प्लेट को रखेंगे और कवर कर देंगे और अब ना हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है और लो फ्लेम पर पंद्रह मिनट इसे हमें पकने देना है और उसके बाद ना मैंने फ्लेम को हाई करके पाँच मिनट इसे पकाया था तो टोटल फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट लगते हैं इन्हें पकने के लिए और ये बिट बिटवीन का टाइम है यानी जब पंद्रह मिनट हो गए थे ना उसके बाद मैंने इनसे खोला है तो देखिए बंस काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं बट इनके ऊपर ना अभी कलर नहीं आया है क्योंकि हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो कढ़ाई में बेक करने से ना कलर अच्छा नहीं आता है अवन में तो अच्छा आ ही जाता है तो इसके लिए ना मैं इसके ऊपर मिल्क वॉश लगा रही हूँ यानी कि दूध और चीनी का थोड़ा सा घोल और वापस से अब इसे हम मीडियम से हाई फ्लेम रखेंगे और पाँच मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बेक करेंगे ये देखिए पाँच मिनट के बाद बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इनके ऊपर देख सकते हैं और कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये देखिए तो अभी ये बंस ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और निकाल करके ना पाँच मिनट के लिए बस ठंडा होने देते हैं ये देखिए पाँच मिनट के बाद आप इन्हें सर्व कर सकते हैं अगर गर्म गर्म में निकालेंगे ना तो हो सकता है ये टूट जाए तो ये लीजिए बन करके तैयार है बहुत ही डिलीशियस गार्लिक बंस और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये देखिए और इन बन्स को ना आप चाय के साथ खा सकते हैं केचप के साथ साथ सक, खा सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं आप ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और फूले फूले बने हैं आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने इन्हें घर पर बिना अवन के तैयार किया है तो रेसिपी अगर पसंद आए ना तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय